नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। आज का वीडियो जो है कोई डाटा लर्निंग या फिर कुछ स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग नहीं है। आज का जो वीडियो है एक हेल्पफुल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको गूगल शीट्स जो है अभी तक जो है यूज करना नहीं आता, या फिर जो सिर्फ अभी तक एक्सेल को ही यूज करते हैं उनको भी जो है गूगल शीट्स पे मूव करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है हमने अपनी शीट्स जो है शेयर की हुई है, वो क्या करते हैं मेल में जाते हैं, मेल में जाकर लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ से ओपन करते हैं। आप जो है गूगल शीट्स को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप जो है सिंपली अपनी अपने ब्राउजर में जाइए, जीमेल में लॉगिन कीजिए, और जब आप अपने जीमेल में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है शीट्स नाम के एक ऐप दिखाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो हो सकता है थोड़ा नीचे हो, ये तो हमने जो है अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जैसे मेरे लिए गूगल मीट्स और शीट्स यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने इनको ऊपर रखा हुआ है। हो सकता है कि आपके जो है ये ऐप्स थोड़े नीचे हो, यहाँ पे हो, आप उनको जो है उठा करके कहीं पर भी रख सकते हो, आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप शीट्स पर खोलोगे तो जितनी शीट्स हैं आपके एक्सेस में वो आपको जो है गूगल अकाउंट में शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ पे जाके देखना, हो सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको शीट्स यहाँ पे दिखाता नहीं है, तो आप इसको जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि जो शीट्स आपकी खुद की है उनको सर्च करना है, या फिर जो शीट्स किसी ने भी आपके साथ शेयर की है उनको करना है, या फिर किसी की हो, आपकी हो या किसी और दूसरे की हो, जो भी एक्सेस आपके पास है उन सभी शीट्स को आपको शो करना है। तो वो शीट्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी शीट्स जो है यहाँ पे आपको जैसे दिख रही है, ये हमारी लोकेश बिश्नोई की जो हमारे ऑफिस की दूसरी मेल आईडी है उस पे बनाई हुई है, उस गूगल अकाउंट पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे वो सब शीट्स दिख रही है, आप इसको जो है लास्ट मॉडिफाई कैसे है आप इसको सॉर्ट आउट कर सॉर्ट कर सकते हो, ए टू जेड करना है, लास्ट ओपन करना है, टाइटल से करना है, ये आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ एक्सेल की फाइल है जो गूगल शीट्स में ओपन करनी है तो आप जो है यहाँ पर जा करके ओपन करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप ड्राइव से कर सकते हो, लिंक से कर सकते हो, जो आपके साथ शेयर की वो कर सकते हो, रिसेंट कर सकते हो जो आपने रिसेंट ओपन किया है, या फिर अपलोड कर सकते हो। आप जो फाइल यहाँ पे ड्रैग करोगे तो कोई भी फाइल है, एक्सेलएस है, एक्सेलएसएम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो भी फाइल है वो यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगी, लेकिन मैक्रो आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइव एनएससी से कनेक्टेड है वो जो है यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि पावर क्वेरीज में गूगल शीट में नहीं चलती है। जो डाटा आप रिकॉर्ड करते हो, मैनुअली अपडेट करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, नॉर्मल मैक्रो लगाते हो, दूसरे कंडीशन लगाते हो, वो सब काम यहाँ पे आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। वो शीट्स यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हो, वो आपको गूगल शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो यहाँ पे काम है वो सारा का सारा सेव रहता है, गायब नहीं होता। सिस्टम बंद हो गया या फिर जो बाय चांस पावर चला गई तो ये ऑटो सेव होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, कोई भी शीट आप ओपन करना चाहते हो यहाँ पे ओपन टैब कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इसको नए टैब में ओपन करना चाहते हो तो कमांड और क्लिक करोगे, मैक यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप कंट्रोल और इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो नई टैब में ओपन हो जाएगा। तो आपके पास जो है ऐसी शीट खुल जाएगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। थोड़ा सा अगर इंटरनेट स्लो है तो हो सकता है कि 2-4 सेकंड लगे इसको डाटा को अपलोड होने में, क्योंकि डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोस कॉलम यहाँ पे है, हैवी फाइल है, इसलिए हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-4 सेकंड जो है आपको थोड़ा स्लो फील हो। बाद में इसको जो है आप इसको यूज कर सकते हो ईजिली। अब जो भी चीज़ आप इसमें लिखोगे यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी आपने लिखा है, यहाँ पे कुछ भी आपने डाटा अपडेट कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया दूसरी जगह से आपने लिंक किया है, तो ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद भी कर दूँ तो वापस आऊँगा तो ये डाटा यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब मेरा बाई चांस पावर फेल हो गया, डेस्कटॉप बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेरे को कंट्रोल है, सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहने ही वाला है, तो वो इजी है। दूसरा क्या है कि इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। बहुत बार जो है एमएस ऑफिस बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, वो बोलते हैं कि क्रैक फाइल दे दो, वर्जन दे दो, 3,000 रुपये में बाय कर लूँ क्या, 2019 बाय कर लूँ क्या, तो वो थोड़ा महंगा है और सिस्टम भी उसके लिए हैवी चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है 2 GB RAM का, या फिर पेंटियम और या फिर ड्यूअल कोर है, या फिर पुरानी विंडोज है, तो उसमें क्या है कि उस अच्छे से चलता नहीं है। एम एस ऑफिस जो है काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, 3 GB से बड़ी उसकी जो है रॉ फाइल है, तो वहाँ पे सिस्टम आपका हैंग होने लग जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है सिर्फ एक ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में आपको जो है क्रोम फ्री है, आपका जीमेल फ्री है, जीमेल में आपको ये ऐप्स फ्री है, और यहाँ पे आपको 15 GB हमारा तो चलो ऑफिशियल है, यहाँ पे डाटा हमारे पास ज़्यादा है और इसलिए हमारे पास स्पेस भी ज़्यादा है, पेड स्पेस है, लेकिन फ्री जीमेल में भी आपको 15 GB मिलता है, जो कि काफ़ी है, इनफ है। 15 GB आपका जो है गूगल शीट्स के डाटा से कभी भी फिलअप नहीं होने वाला, आपको वो
लाइफ टाइम उसको यूज़ कर सकते हो, कभी आपको स्पेस की दिक्कत नहीं आएगी। तो 15 GB आपको जो है गूगल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड स्पेस, तो वो काफ़ी ईजी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है यहाँ पे, आप इसको किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। आप इसको मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, आईफोन में यूज़ कर सकते हो, टैबलेट में यूज़ कर सकते हो, आईपैड में यूज़ कर सकते हो, विंडो हो या मैक हो, सिर्फ आपको जो है एक ब्राउज़र चाहिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इवन एंड्रॉयड और आईफोन में तो आपको ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन भी मिलती है जो कि काफ़ी लाइट है, उसको यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी है। तो जो लोग अभी एंड ऑफ द डे एनालिसिस के लिए जो अपना डाटा बनाते हैं वो अभी भी जो एक्सेल पे बनाते हैं, उनको मुझे लग रहा है कि टाइम एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए आप उसको गूगल पे ला सकते हो, गूगल शीट्स पे ला सकते हो। वो इजी होगा और सारा काम आप एक ही जगह रख सकते हो और यहाँ पे काफ़ी इजी है। और बाकी फंक्शन भी इसमें जितने फंक्शन आपको वहाँ पे मिलते हैं कॉपी पेस्ट के, एडिट के, वो सब फंक्शन यहाँ पे हैं। अगर आपने गूगल सीखा, एक्सेल सीखा हुआ है तो इसमें भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और इवन जो है अगर आपको कुछ नया कमांड सीखना है, जैसे कि कुछ फंक्शन होते हैं या फिर इफन बट की लॉजिक होते हैं, कंडीशन होते हैं, वो आपको सीखनी है, आप गूगल पे टाइप कीजिए कि ये कमांड में कैसे कर सकता हूँ, ये फंक्शन कैसे, जो भी आपको जो भी लगाना है आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा और उसको जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। आप 2-4 दिन इसको यूज़ करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा, प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी, एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ेगी। और इसमें जो है आप अपने फॉर्मेट के, कंडीशनल फॉर्मेट जो है आराम से बना सकते हो। जितने भी एक्सेल में फीचर है वो सभी फीचर इसमें है, सिर्फ उसमें जो है पावर क्वेरी आपको एक्स्ट्रा मिलता है 2016-2019 में, जो कि 365 में तो नहीं है लेकिन 2016-19 में है, वो यहाँ पे नहीं है। मैक्रो आप बना सकते हो, मैक्रो भी इसमें ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप मैक्रो नहीं कर सकते। और आप डाटा टूल, इंसर्ट, व्यू, फाइल, एडिट, जैसे कि आपको इसकी कॉपी बनानी है कॉपी बना सकते हो, मेल करना है तो डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिफरेंट फॉर्मेट में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड भी दिखाएगा कि जैसे कि ये फाइल हमने जो है शेयर की हुई है तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, वो यहाँ पे आपको साथ में जो भी आपके टीममेट है वहाँ पे आप देख सकते हो, और कितने लोगों के साथ शेयर किया है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 100+ जो ट्रेडर हैं वो इस फाइल को अभी एक्सेस कर रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा है इसलिए 100+ दिखा रहे हैं, ठीक है। वो एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता कितना, मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता कभी, वो मेरी टीम को मालूम है। तो यहाँ पे जितने टीममेट हैं आपके, ट्रेडर कम्युनिटी है, कोई फ्रेंड सर्कल है, अगर आप एक साथ काम करते हो तो वो आपके लिए ईजी होगा, कुछ पार्ट वो कंप्लीट कर ले, कुछ पार्ट आप कंप्लीट कर लो, या फिर आप सेम जो है सिर्फ यही एक्सेस कर रहे हो तो ये भी आपके लिए आसान होगा। तो काफ़ी इजी है। अभी जो मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ कि मोबाइल पे आप जो है इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इजी। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके आया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ये एक आईफोन है, एंड्रॉयड में भी आप सेम कर सकते हो। यहाँ पे मैं एप्पल स्टोर पे जाऊँगा, ऐप स्टोर जिसको बोलते हैं, आप वहाँ पे गूगल के प्ले स्टोर पे जा सकते हो। आपको सर्च में जाना है और लिखना है गूगल शीट्स। जैसे आप गूगल शीट्स लिखोगे आपके पास जो है गूगल के ऑफिशियल शीट्स की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, डाउनलोड करके आपको जो है अपने जीमेल से उसको लिंक कर लेना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में वो आपके जीमेल अकाउंट से लिंक हो जाएगी। अगर आपके एक मोबाइल में ज़्यादा जीमेल चल रही है तो आपको पूछेगा कि कौन से लिंक करनी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जितने भी शीट आपके पास हैं वो आपकी है या किसी और के द्वारा शेयर की गई है, आपके पास उसका व्यू एक्सेस है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको ओपन कर सकते हो। और काफ़ी इजी है। मान लेते हैं कि मैं बाहर हूँ, वीकेंड पे सिस्टम पे नहीं बैठ सकता, अब मुझे ये टेंशन है कि कल उन्होंने गोरे लोगों ने क्या बाय किया, उन्होंने ऑप्शन में क्या पोजीशन बनाई, फ्यूचर में क्या पोजीशन बनाई, मुझे देखनी है, जो कि हम डाटा शाम को जो है अपडेट हो जाता है, मेरी टीम अपडेट कर देती है। तो उसमें क्या होगा कि आप इजीली व्यू कर सकते हो। आपके पास सिस्टम नहीं है, बाहर हो, वीकेंड पे हो, कहीं पे भी हो, आपको जो है लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में जो है व्यू कर सकते हो। व्यू के लिए काफ़ी ईजी है, यहाँ पे एडिट कर सकते हो लेकिन एडिट में थोड़ा सा मुश्किल है, कॉपी पेस्ट करना और करना उसमें टाइम लगेगा। एडिट के लिए आप डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कीजिए, वो काफ़ी ईजी है। सिर्फ व्यू के लिए आप मोबाइल वर्जन यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी ईजी है, उसमें जो है आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप गूगल शीट्स यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेल में अगर मास्टरी है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, टाइम एफिशिएंट बनना चाहते हो तो गूगल शीट्स पे आ सकते हो, फ्री है, कोई इसको आपको चार्ज नहीं लगेगा, कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। MS Office में जैसे कि वहाँ पे चार्ज लगता है की परचेज करने का, और वहाँ पे अगर क्रैक यूज़ कर रही हो तो कभी भी वो
क्रैक जो है क्रैक हो सकता है, और फिर आपसे जो है एमएस ऑफिस में आपका डाटा लूज़ हो सकता है, वो बोले कि आप मेरे को पहले इसका एक्सेस के लिए आपको की एक्टिवेट करनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम होगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो है गूगल शीट्स को ट्राई कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि आपको भी ये हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।